you, I told you. नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी पूर्वी अफ्रीका के एक देश तंजानिया के सबसे बड़े शहर दर ए सलाम में, और मैं अभी जा रहा हूं यहां के एक सबसे बड़े फिश मार्केट में, जिसे कि जिजीमा फिश मार्केट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा तंजानिया के एक गांव में, जहां हम देखेंगे कि तंजानिया में गांव की जिंदगी कैसी होती है। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में केन्या और युगांडा और पश्चिम में रवांडा और बुरुंडी से लगती हैं, और इस देश की पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित होती है। तंजानिया 26 प्रदेशों से मिलकर बना है, जिन्हें मिकाओ कहा जाता है। वैसे तो तंजानिया की सरकारी राजधानी डोडोमा है, लेकिन दर ए सलाम तंजानिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ ये तंजानिया की राजनीतिक और आर्थिक राजधानी भी है। तंजानिया की कुल आबादी लगभग 6 करोड़ के आसपास है, जो इसे पूर्वी अफ्रीका का दूसरा सबसे आबादी वाला देश बनाता है। तंजानिया की संस्कृति अफ्रीका की सबसे पुरानी और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, और ये कई अलग अलग जातीय और भाषाई समूहों का घर है। जातीयता के संबंध में सबसे बड़ा जातीय समूह सुकुमा है, जो जनसंख्या का लगभग 9% है। इस देश की लगभग 60% जनसंख्या ईसाई है, और 30% लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। स्वाहिली और अंग्रेजी तंजानिया की दो आधिकारिक भाषाएं हैं। स्वाहिली एक बंटू भाषा है, जो देश के तटीय क्षेत्रों में विकसित हुई। विभिन्न इस्लामी संस्कृतियों के मजबूत प्रभाव के कारण यहां बड़ी संख्या में अरबी और फारसी भाषा बोलने वाले लोग भी शामिल हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में तंजानिया जर्मन साम्राज्य का हिस्सा था। 1871 में जर्मन एकीकरण के बाद जर्मन साम्राज्य ने अफ्रीका में एक विदेशी साम्राज्य हासिल करने की मांग की। परिणाम स्वरूप जो अभी की तंजानिया है, उसे 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक जर्मनों द्वारा जीत लिया गया और नियंत्रित किया गया। इसके बाद तंजानिया को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। उसके बाद 1961 में तंजानिया ने अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। तंजानिया की स्वतंत्रता के बाद इसका राजनीतिक रुझान समाजवाद और पैन अफ्रीकीवाद दोनों की ओर बढ़ गया। इस राजनीतिक आंदोलन ने अफ्रीकी लोगों की महाद्वीपीय एकता पर बल दिया। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, पैन अफ्रीकीवाद ने बहुत कम महत्वपूर्ण राजनीतिक आकर्षण हासिल किया। तंजानिया में मुख्य राजनीतिक दल चामा चा मापिन दुजू पार्टी है। दरअसल देश का हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चामा चा मापिन दुजू पार्टी का सदस्य रहा है। हालांकि तंजानिया में नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन देश में राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत सीमित मात्रा में है। ।1960 और 1980 के दशक के मध्य के बीच तंजानिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक समाजवादी प्रकृति की थी। इसका मतलब है कि उत्पादन के अधिकांश साधनों पर सरकार का नियंत्रण था। ये प्रणाली 1980 के दशक के अंत में बदलना शुरू हुई, जब आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की गई, जिसने अधिक पूंजीवाद को अनुमति दी। परिणाम स्वरूप 1990 के दशक से तंजानिया की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। तंजानिया के निर्यात के मुख्य गंतव्य भारत, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड, चीन और युगांडा हैं। तंजानिया से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु सोना, तांबा और तेल हैं, और इस देश में अधिकांश आयात चीन से होता है। कृषि उत्पाद और पर्यटन भी तंजानिया की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। इसका एक कारण ये है कि दुनिया भर से अधिक लोग इस देश के वन्य जीवन को देखने और इसके सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक माउंट किलिमंजारो की यात्रा करने के लिए आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि तंजानिया के अरुशा शहर में स्थित है। तंजानिया का पुराना नाम तंगानिका हुआ करता था। 26 अप्रैल 1964 को तंगानिका ने जंजीबार द्वीप के साथ मिलकर संयुक्त गणराज्य तंगानिका और जंजीबार का गठन किया। उसी साल 29 अक्टूबर को देश का नाम बदलकर संयुक्त गणराज्य तंजानिया कर दिया गया।
मुख्य भूमि तंजानिया में दर्जनों जातीय समूह मौजूद हैं, जबकि जंजीबार द्वीप में बड़े पैमाने पर अरब और पर्सिया के पहले के मुस्लिम व्यापारियों के वंशज शामिल हैं। तंजानिया अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, हालांकि व्यापक गरीबी बनी हुई है। यहाँ की लगभग आधी आबादी प्रतिदिन $1.9 से भी कम पर जीवन यापन कर रही है। तंजानिया के प्राकृतिक संसाधन देश के लिए एक संपत्ति है, जो कई व्यक्तियों की आजीविका का समर्थन करने में मदद करते हैं। अगर आप यहां के जंजीबार द्वीप की यात्रा करना चाहते हैं तो यहां सड़क के किनारे आपको कई फेरी सर्विस पॉइंट्स मिल जाएंगी, जहां से आप टिकट लेकर जंजीबार द्वीप की यात्रा कर सकते हैं। पूरे दिन में यहां से 4 फेरी जाती हैं, जो सबसे पहली फेरी है वो सुबह के 7 बजे जाती है, जो आपको 1.25 घंटे में जंजीबार द्वीप पहुँचा देती है। और यहां से जंजीबार द्वीप जाने का किराया लगभग 2500 से 3000 रुपए है। जैसे ही सूरज इस बंदरगाह के ऊपर दिखाई देता है, दरे सलाम का ये मछली बाजार तुरंत ही अधिक जीवंत हो जाता है। मछली का व्यापार तंजानिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें वृद्धि और विकास की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। तंजानिया को अपनी पानी के झीलों, हिंद महासागर और नदियों से पर्याप्त मात्रा में मछली संसाधन प्राप्त है। दरे सलाम का ये जिजीमा मछली बाजार तंजानिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत मछली बाजार है। हर सुबह मछुआरे अपनी पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए यहाँ लाते हैं। इस बाजार परिसर को यहाँ के तटीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता और आपूर्ति सुनिश्चित करने और सरकारी राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से 2002 में खोला गया था। दरे सलाम के इस तट से औसतन प्रति माह 400 मीट्रिक टन मछलियां निकाली जाती हैं और 350 मीट्रिक टन दरे सलाम के अन्य तटीय क्षेत्रों से यहां लाई जाती हैं। प्रतिदिन लगभग 13,000 लोग इस बाजार परिसर में आते हैं। ये बाजार परिसर पूरे 1400 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है, जिसे की 5 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें शामिल है पकड़ी हुई मछलियों को उतारने की जगह, मछलियों की नीलामी की जगह, मछलियों को बेचे जाने के लिए तैयार करने की जगह और मछलियों को तलने का स्थान। यहाँ कई किस्म के मछलियों की प्रजातियां हैं, जिनमें शामिल है सार्डिन, एम्परर, टूना, मैकरेल, झींगा, केकड़ा, स्क्विड, प्राउन, ऑक्टोपस और कटलफिश। पकड़ी गई मछलियों को जमीन पर उतारने के बाद इसे उन व्यापारियों को सौंप दिया जाता है, जो मछुआरों की ओर से मोल भाव करते हैं। फिर मछली को नीलामी हॉल में ले जाया जाता है, जहां बोली लगाने की प्रक्रिया होती है। फिर मछली को तैयारी वाले क्षेत्र में ले जाकर साफ किया जाता है और अंततः ताजी मछलियों को थोक में खरीदा जा सकता है। जिजीमा मछली बाजार मछली और समुद्री भोजन के लिए एक व्यापारिक स्थान है। यहाँ पूरे दिन मछुआरों द्वारा मछली लाई जाती है और शहर के सभी स्थानों से लोग यहाँ मछली खरीदने के लिए आते हैं। दरे सलाम का ये मछली बाजार सबसे कम कीमतों पर विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध है। कई चुनौतियों के बावजूद तंजानिया में मछली पकड़ने की काफी संभावनाएं हैं। देश में मछली पालन के लिए अनुकूल जलवायु है और घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में मछली की काफी मांग है। यदि चुनौतियों का सामना किया जा सके तो मछली पालन रोजगार और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है।
तंजानिया के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, विशेष रूप से इसकी झीलें और नदियां मछली पालन को फलने फूलने का बेमिसाल अवसर प्रदान करती हैं। इस क्षमता का लाभ उठाकर मछली पालन क्षेत्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक शक्तिशाली इंजन बन सकता है। तंजानिया की पूरी आबादी का लगभग 75% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण तंजानिया के लोग अपने परिवारों के लिए भोजन का उत्पादन करने और अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए कृषि उत्पादन और पशुपालन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसके अलावा पशु उत्पादन ग्रामीण परिवारों की आय में 15% का योगदान देते हैं। तंजानिया के ग्रामीण इलाकों में गरीबी में योगदान देने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक आर्थिक बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति है। आर्थिक बुनियादी ढांचे में किसी राष्ट्र, क्षेत्र या शहर की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बुनियादी सेवाएं शामिल हैं, जैसे परिवहन, ऊर्जा, पानी और वित्तीय बाजार। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुत से लोग निर्वाह कृषि करते हैं और इस प्रकार सीमित आय के कारण पैसे बचाने में असमर्थ हैं, इन्हें पर्याप्त आर्थिक बुनियादी ढांचे और लाभदायक निवेश के अवसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि ये लोग आर्थिक रूप से संगठित हो सकें। तंजानिया की गरीब और ग्रामीण आबादी को अक्सर पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, क्योंकि ये अपने परिवारों के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ हैं। यहाँ के अधिकांश लोग गरीब और अल्प पोषित छोटे किसान हैं, जो तंजानिया के ग्रामीण इलाकों में एक आम बात है। ग्रामीण तंजानिया में बड़े पैमाने पर शहरी केंद्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की भौतिक दूरी के साथ साथ भौगोलिक बाधाओं के कारण आर्थिक बुनियादी ढांचे का अभाव है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक परिवहन को सीमित करता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों के करीब हैं, फिर भी उनमें भौगोलिक और ऊंचाई संबंधी चुनौतियां हैं। कई विकासशील देशों की तरह तंजानिया में भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। आजादी के बाद से तंजानिया सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास को देश की विकास रणनीति की आधारशिला के साथ जोड़ा है। तंजानिया में कई दृष्टिकोण आजमाए गए हैं। कृषि प्रदर्शन में सुधार और आवश्यक सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण विकास की दिशा में एक सुगम मार्ग को प्रशस्त किया गया है। 1982 तक लगभग आधी ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पानी, स्कूल और औषधालय जैसी सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के अलावा किसी भी दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादन संरचनाओं में परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्रामीण आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण गैर कृषि व्यवसायों की वृद्धि के बिना तंजानिया में गरीबी नहीं कम हो सकती है। तंजानिया के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की संभावना कम है। कम शिक्षा भी लोगों को गरीबी के चक्र में रखती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्रामीण और शहरी शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच भी लंबे समय से अंतराल बना हुआ है।